Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing units and measurements, and this is the lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to 7 before watching this part 8. आज हम सबसे पहले सीखते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे अरिथमेटिक का ऑपरेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं. राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो राउंडिंग ऑफ जो होता है, R-O-U-N-D-I-N-G, राउंडिंग ऑफ. ऑफ का मतलब क्या होता है? हटा देना. और किसको हटा देना? तो किसी डिजिट को ही हटाएंगे. किसको हटाएंगे? डिजिट को. राउंडिंग ऑफ नंबर्स का ही होता है. कितने प्लेस तक हमें ऑफ करना है. तो इसके कुछ रूल है. रूल ये है, रूल वन, कि इफ द अनसर्टेन डिजिट विच इज मोर देन फाइव देन प्रिसीडिंग डिजिट डिजिट विल इंक्रीज बाई वन. इंक्रीज बाई वन, वन बढ़ जाएगा. जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं 2.376 और हमें इसको राउंड ऑफ करना है, which has to be round off up to two decimal place. इसको दो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी इसको राउंड ऑफ करना है. तो ये जो है सिक्स, ये फाइव से ज्यादा है, तो इसके पहले वाले डिजिट को हम एक बढ़ा देंगे, यानी सेवन को बढ़ा के क्या कर देंगे, 2.38. ऐसे ही अगर 4.697 लिखा है, तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो सेवन फाइव से ज्यादा, इसलिए इसको एक बढ़ा देंगे. तो इसको एक बढ़ाएंगे तो टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो 4.70 हो जाएगा. तो ये राउंड ऑफ हुआ कि इसमें अगर लास्ट डिजिट फाइव से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने के लिए उसको उसके पहले वाले डिजिट को बढ़ा देंगे. ये तो एक डिजिट को राउंड ऑफ किया. ऐसे ही अगर एग्जांपल ये दूं कि मान लीजिए 23.7528, इसमें दो प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो दो प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, दो स्टेप में कर सकते हैं या एक स्टेप में कर सकते हैं. ये टू जो है यहाँ पे, ये क्या है, इसको भी दोनों को राउंड ऑफ करना है. एट को अगर मान लीजिए कि राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये टू थ्री हो जाएगा, और थ्री भी फाइव से कम है. फाइव से कम होने की स्थिति में क्या होता है, उसको हम छोड़ देते हैं. तो अभी हम इसको ऐसा लेते हैं कि जो अभी छोड़ने लायक ना हो. तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये सेवन एट है, इसको हमें टू प्लेस ऑफ डिजिट तक राउंड ऑफ करना है. सो व्हाट टू डू, इसको हम क्या करेंगे, पहले बार हम राउंड ऑफ अगर करें, आपको जस्ट स्टेप वाइज सिखा रहे हैं, तो एट सेवन से ज्यादा है, फाइव से ज्यादा है, तो ये सेवन बढ़ के एट हो जाएगा. तो 2.23.758 हो जाएगा. अब 8 को भी हमें राउंड ऑफ करना है, हमने 8 को इस 8 को राउंड ऑफ करके यहाँ 7 को 8 कर दिया, इस 8 को भी राउंड ऑफ करना है, तो ये भी 5 से ज्यादा है, तो इसके पहले वाला एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 223.76. ये बात डायरेक्ट भी किया जा सकता है, सिर्फ इस डिजिट को देखें, ये डिजिट 5 से ज्यादा है और ज्यादा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, 23.76 हो जाएगा. तो ये जितनी डिजिट को आपको अनसर्टेन डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो फाइव से, स्टेप वाइज भी चले तो भी ठीक है, अगर वो फाइव से ज्यादा है तो उसके पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, अगर फाइव से कम है तो उसको छोड़ देते हैं. ठीक है ना. रूल टू क्या है, इफ द अनसर्टेन डिजिट which is to be round off, which is to be round off, is less than five, then it can be dropped without any changes, without any change in previous number. इन प्रीवियस डिजिट, प्रीवियस डिजिट्स.
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2.34, इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो आप इसे 2.3 ही लिख सकते हैं। आपके पास है 23.453 और इसको राउंड ऑफ करना है तो आप इसे 23.45 ही लिखेंगे। ये चूंकि 5 से कम है तो इसको एज इट इज आपको ड्रॉप कर देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तब दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब लास्ट डिजिट 5 हो, तब क्या करेंगे? तो रूल 3, इसका एक पार्ट, इफ द लास्ट डिजिट इज, इफ द अनसर्टेन डिजिट इज, इफ अनसर्टेन डिजिट इज, अनसर्टेन डिजिट इज 5, डिजिट इज 5, दैट इज लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट विच इज टू बी राउंड ऑफ, विच इज टू बी राउंड ऑफ इज 5, तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? 5 से ज्यादा हो तो एक बढ़ा दोगे, 5 से कम है तो एक तो एज इट इज ड्रॉप कर दोगे, लेकिन 5 है तब क्या करोगे? तो उसके लिए दो केस होंगे। केस ए, इफ बिफोर 5 देयर इज एन इवन डिजिट, इफ बिफोर 5 दैट इज जस्ट बिफोर 5 प्रीसीडिंग डिजिट इज एन इवन नंबर नंबर देन वी कैन ड्रॉप 5 विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी चेंज। जैसे 2.45 है और 5 के पहले ये इवन नंबर है, तो इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको 2.4 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि लिखा है 2.28.785 और इस 5 को ड्रॉप करना है, ये इवन है, तो हम लिख सकते हैं 28.78, इस 5 को ड्रॉप कर देना है, कोई चेंजेज नहीं होगी, इस 5 को ड्रॉप कर देना है और इसमें कोई चेंजेज नहीं होगी, ठीक है? इस 5 को सीधे सीधे आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन इवन नंबर है 5 के, इफ बिफोर 5 इज एन इवन नंबर। दूसरा, अगर 5 के पहले ऑड नंबर हो तब क्या करेंगे? अब इसी रूल का दूसरा पार्ट होगा कि इफ देयर इज एन दूसरा पार्ट इसका होगा इफ बिफोर 5, बिफोर 5 का मतलब प्रीसीडिंग डिजिट ऑफ 5, इफ बिफोर 5 इज एन ऑड नंबर देन प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय वन, तब हम 1 बढ़ा देंगे। जैसे आपको ये मान लीजिए कि 2.35 अगर होता तो हम इसको क्या लिख देते, 2.4, क्योंकि 5 के पहले क्या है, ये ऑड नंबर है, 3 क्या है जी, 3 ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर है इसलिए हम इसको 1 बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा 2.4। तो 2.45 है तब भी 2.4 होगा, 2.35 है तब भी 2.4 होगा, ये राउंड ऑफ करने के बाद 2.795। अब यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं इस 5 को, तो क्या होगा, 2. ये 1 बढ़ जाएगा, तो ये 9 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 2.80 हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ करने के लिए, अगर पहले वाला डिजिट ऑड है तो 1 और लास्ट डिजिट 5 है तो प्रिसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, अगर इवन है तो उसे एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, और अगर 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, अगर 5 से कम है तो उसको सीधा सीधा ड्रॉप कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये राउंड ऑफ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन
विथ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये हमें अब करना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में दो कैटेगरी मान सकते हैं, एक ये कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा, और एक जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो क्या होगा। तो पहला पार्ट करते हैं कि इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स शुड कंटेन एज मैनी एज डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस एज इन द नंबर with in addition or subtraction the final result should retain as many decimal places as are there in the number, in the number with least decimal places, least decimal places, decimal places, ठीक है। ये एक पहला चीज है कि अगर ऑपरेशन कर रहे हैं दो नंबर्स का, तो उसमें जितने दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उसमें किसी में कितने भी डेसिमल प्लेसेज होंगे, किसी में कितने डेसिमल प्लेसेज होंगे, तो हमें उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है 2.357 ऐसा लिखा, और बी एक नंबर लिखा है जिसमें लिखा है 4.06 ऐसा कुछ, तो इसमें डेसिमल प्लेसेज कितने हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेज तीन हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेज दो हैं। अगर हम इसका एक रिजल्ट निकाले a प्लस बी, तो ये होगा 2.357 प्लस 4.06, और इसका आउटपुट निकल के आएगा 7, और यहाँ पे क्या होगा 5 and 6 11 कैरी 1 एंड 3 and 1 4 एंड 4 and 2 6, सो ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें तीन प्लेसेज ऑफ डेसिमल हो गए, लेकिन जो रिजल्ट है एज पर रूल उसमें हमें दो ही डेसिमल प्लेसेज होने चाहिए, क्योंकि देयर एज मेनी एज डेसिमल प्लेसेज एज देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेज। तो क्या करना चाहिए, इसमें दो ही डेसिमल प्लेसेज रिजल्ट में होना चाहिए जबकि यहाँ पे तीन है, तो एक को राउंड ऑफ करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब ये हुआ कि इस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना होगा, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना होगा, लेकिन ये डिजिट जो है वो 7 है, और 7 को राउंड ऑफ करना है हमें, और 7 को राउंड ऑफ करना है जो 5 से ज्यादा है, तो क्या होगा, एक पहले वाला बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 6.42, ये रिजल्ट इसका आएगा। तो रिजल्ट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिजल्ट को आप देख लेंगे कि जितने डिजिट लिस्ट डेसिमल प्लेसेज होंगे वहीं तक हमें राउंड ऑफ करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, मान लेते हैं कि पी एक नंबर है जिसमें लिखा है 5, और क्यू एक नंबर है जिसमें लिखा है 3.06, ठीक है। अब इसमें यहाँ तीन प्लेस ऑफ डेसिमल है, इसमें दो प्लेस ऑफ डेसिमल है, आपने मान लीजिए कि आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू कर दिया, तो पी माइनस क्यू करने पर क्या बचेगा 5, 6 माइनस 6 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है, और फिर आपका बच गया 29, इधर में बच गया 29। अब इसमें लिस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल कितने हैं, तो दो हैं, तो यहाँ दो ही प्लेस ऑफ डेसिमल तक होना चाहिए, यानी इसको ड्रॉप करना है, और इसको ड्रॉप करने के लिए 5 के पहले क्या है 0, 0 को हम इवन नंबर मानते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए एक ये बढ़ जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर होगा 29.01, ये इसका आंसर लिखा जाएगा। तो रिजल्ट में आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर ना होकर के यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेज को देखते हैं, और डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए दी गई है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर है,
उनमें जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेज हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेज होने चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब है कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में क्या करेंगे, तो इसके लिए एक रूल है। दूसरा रूल, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल रिजल्ट आर इक्वल टू आर एज मेनी एज आर एज मेनी एज द नंबर हैज लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें एक नंबर, यहां पर फिर हम ले लेते हैं x, और यह नंबर है 3.06, और एक नंबर है y जिसमें लिखा है 2.1 या 12 भी लिखा है मान लीजिए। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा अलग अलग रखते हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें हम कितना सिग्निफिकेंट फिगर रख रहे हैं, 2, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर ले लेते हैं 2। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड एक नंबर है जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा 12 इन, ये हो गया 36.72 आ गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर तो कम से कम 2 है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अभी यहाँ पर रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 4, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसका मतलब है कि 2 को राउंड ऑफ करना है, और 2 को राउंड ऑफ करना है इसका मतलब इसको भी राउंड ऑफ करना है और इसको भी राउंड ऑफ करना है, तो 7 को अगर राउंड ऑफ करना है तो 7 5 से क्या है, ज्यादा है, 5 से क्या है, ज्यादा है, तो पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, तो पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 37, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकली वैसे ये बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन तरीका यही है कि आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना कम से कम होगा, इसमें है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसी में है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें कितना, 2 फिगर इसमें है, 2, तो इसलिए रिजल्ट में ही 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि पी एक वैल्यू दिया हुआ है 36.362.8 ऐसा कुछ, और क्यू एक नंबर दिया हुआ है आपको 11, और 11 से आपको डिवाइड करना है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आउटपुट में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। एंड मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू p बाई q है, तो ये 36.28 अपॉन 11, 11 3 जा 33 है ना, 33 और बच गया फिर 3, 3 2 तो 33 तो नहीं होगा, तो 11 2 जा 22 और बच गया 10, 10 0 8, 11 9 जा 99, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, 11 9 जा 99 और बच गया यहाँ पे 9, 9 बच गया तो फिर डेसिमल रखेंगे तो 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88 और भी आगे आएंगे। अब हमें चूंकि 2 ही डेसिमल प्लेस, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को राउंड ऑफ करना होगा, इन दोनों को राउंड ऑफ करना होगा, है ना, और इन दोनों को राउंड ऑफ करने के लिए आप स्टेप वाइज भी जाओगे, तो 8 को राउंड ऑफ करोगे तो 5 से ज्यादा है तो ये 9 में एक प्लस हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और ये एक 0 इधर जाकर के चूंकि 10 हो जाएगा तो ये 2 में एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 33। आप वैसे भी यहां से भी 9 करते हो, 9 को राउंड ऑफ करते हो, तो 9 5 से ज्यादा है, तो पहले वाला एक बढ़ जाएगा, तो पहले वाला एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर यानी रिजल्ट इतना ही लिखना होगा, तीन दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए रिजल्ट में। आप डिवीजन कर रहे हैं तब भी, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तब भी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होनी चाहिए वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जो हमारी कैलकुलेशन में जो नंबर में दी गई है। और जहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, उसमें डेसिमल प्लेसेज देखते हैं, और लिस्ट डेसिमल प्लेसेज को ध्यान में रखना होगा। और बाकी अगर ज्यादा आ रहे हैं तो वो अनसर्टेनिटी है, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। इसीलिए आज मैंने पहले आपको राउंड ऑफ बताया कि राउंड ऑफ जानने के बाद आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल के जरिए इसको समझते हैं, और एक न्यूमेरिकल के जरिए हम इसको कोशिश करते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। सो अगर एक क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, क्वेश्चन में मान लीजिए लिख देता हूं कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 7.203 मीटर, कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मान लीजिए ये हमें कहा जाए कि इसको कीजिए, और सिग्निफिकेंट फिगर को अप्रोप्रिएट करके लिखिए, तो अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्यूब आपको पता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वी नो द सरफेस एरिया ऑफ, वी नो द सरफेस एरिया ऑफ, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L2। यहां पे साइड की लेंथ दी हुई है 7.203 मीटर, तो दैट विल कम्स अप 6 into, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने हैं 4। अब ये 6L2 का मतलब हुआ 6 into L into L, है ना। 6 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें L का देखना है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ये है 6 into L into L, इसका मतलब हुआ 6 into 7.203 into 7.203। इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49 49 into 6, ये कैलकुलेट करने से हो जाएगा लगभग 300 के बराबर। तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आएगा 311। हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है जल्दी से, क्योंकि अगर कैलकुलेट करूंगा तो भी टाइम खराब होगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 311.299925425 ये आ गया क्या, मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर था, तो इसमें भी हमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब इन सबको ड्रॉप करना है, इन सबको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ जिसको करना है वो है 9, और उसके बाद वाले डिजिट्स भी हैं, तो 9 है ये 5 से एक ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाला एक प्लस हो जाएगा। तो आंसर को लिखते समय हमें क्या लिखना चाहिए, 311.3 मीटर स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया। बाद के सारे डिजिट्स को हमें राउंड ऑफ कर देना है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं उनको हमें राउंड ऑफ कर देना है, ये सारे के सारे ड्रॉप करने हैं हमें, जितने भी ये दिख रहे हैं ये सब क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। ठीक है, ये सब हमें ड्रॉप करने हैं, ये चारों को ड्रॉप करना है, और ये चूंकि ये ड्रॉप तो इसको भी करना है, लेकिन ये हमने इसलिए बताया कि ये 5 से ज्यादा है तो इधर वाला आके प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने की वजह से ये आंसर हो गया। फिर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब,
एल क्यूब होता है। इसका मतलब एल इंटू एल इंटू एल, इसमें भी चार सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी चार, तो रिजल्ट में भी क्या होनी चाहिए, फोर सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 7.203, ये हुआ 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203 और मीटर क्यूब इतना। अब इसको भी आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम अप 373। जस्ट राइट डाउन, देयर इज सम टेक्निकल एरर एंड आई एम अनेबल टू राइट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं 373.714 एंड 754, दिस विल कम द सी 373.7। और आपको फोर ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आप क्या करोगे, 714 है तो 1 और 4, ये 1 क्या है, 5 से कम है, तो ये सबको इग्नोर मार सकते हैं और 373.7 आ जाएगा इसका आंसर, 373.7 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम लिख नहीं पा रहे हैं, आप लिख लीजिए 373.7, ये चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए क्योंकि चार ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर रिजल्ट में होना चाहिए और आप उसको रिजल्ट पे कैलकुलेट करने के बाद क्या कर सकते हैं, बाद में उसे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कई सारे स्टेप में कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप पहले एक एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा तक कैलकुलेट कर लें और फाइनल रिजल्ट में जाकर के आप जितनी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक कैलकुलेट करें तो आपके एरर नहीं होंगे। ये एक प्रिकॉशन थी जिसमें हमने बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही से उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कई स्टेप में कैलकुलेशन करना है और बार बार आपने राउंड ऑफ कर लिया है और राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल रिजल्ट में आप आते हैं तो आपको थोड़े से डिफरेंस आएंगे। इसलिए पहले एक एक सिग्निफिकेंट फिगर, जितने सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन होनी चाहिए उससे एक ज्यादा ले लीजिए और फाइनल रिजल्ट में आकर के जितने सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने रखिए और बाकी को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन जो होगा वो एक्यूरेट होगा। तो उम्मीद है कि आप ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो लिस्ट हो उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं और बाकियों को क्या करना है, बाकियों को हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं तो थोड़ी और बात करेंगे इस पे और डायमेंशन की बात होगी। तो इस क्लास में अभी इतना ही, क्योंकि अभी हमें लैपटॉप को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी पॉइंटर की दिक्कत है, सेंसर गड़बड़ चल रहा है, सेंसर को ठीक करते हैं फिर आपको बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।